दृश्य है। पानी पिछले 9 महीने से यहाँ बता रहे हैं कि नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं कितनी मुश्किल से ये पहाड़ की टेकरी उतरकर और नदी में बनी हुई जो झिरिया है उससे पानी लेने के लिए बहुत ही मशक्क़त से जा रही हैं। देखिए कि कैसा उबड़ खाबड़ रास्ते से कितनी गहरी खाई में इसको इन लोगों को महागांव के लोगों को उतरकर और पानी लेने के लिए यहाँ पर नदी में जो बना हुआ झिरा है उसमें से पानी लेने जाना पड़ता है। ये देखिए नीचे का दृश्य कि एक टोली तो यहाँ पर है और एक टोली वो नीचे में चली गई है पानी लेने के लिए। कितना लंबा और कितना बड़ा फेरा है इनको लगाकर और पानी के लिए, जबकि अभी गर्मी लगी ही है और ये स्थिति है तो तेज़ गर्मी होने पर क्या स्थिति बनेगी ये देख सकते हैं। ये ग्राम पंचायत राजा बरारी का आश्रित ग्राम है महागांव। क्या पानी की स्थिति है ये देखिए। ये देखिए कितनी ऊंचाई से नीचे उतरकर और ये लोग पानी पीने का लेने जा रहे हैं। जब पीने के पानी की यह स्थिति है तो निस्तार के पानी की क्या स्थिति होगी ये प्रशासन को समझना चाहिए और त्वरित कदम यहाँ पर इस समस्या के निदान के लिए उठाना चाहिए। ये ऊपर जो मकान का हिस्सा दिखाई दे रहा है वहाँ से ये लोग नीचे इस रास्ते से उतरकर और ये पहाड़ी को क्रॉस कर कर और फिर ये नीचे उतरकर और फिर ये झिरी से पानी लेने जाते हैं। अब क्या स्थिति बनती होगी, कितनी मेहनत मशक्क़त का काम है और उसके बाद में भी ये झिरी का जो पानी है ये भी गर्मी के कारण कम होते जा रहा है। यहाँ एकमात्र कुआँ है जो कि सूख चुका है और नदी में भी पानी सूख चुका है। ऐसे में नदी का पानी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से यहाँ पर कालरा और हैजा डिहाइड्रेशन की बीमारी यहाँ पर उत्पन्न हो जाए। कितने लोगों का ये निवास स्थान है ये भी हम समझेंगे देखेंगे। आप देख रहे हैं अग्निचक्र लाइव न्यूज़। ये चारों ओर पहाड़ टीले से घिरा हुआ ये टोला है महागांव और यहाँ पानी की क्या स्थिति है इसका नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। पिछले 9 महीने से यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि यहाँ नल जल योजना का पानी ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है। एकमात्र कुआँ है जो कि सूख चुका है, इसलिए यहाँ के लोग जो हैं नदी में झिरा बनाकर और उससे पीने का पानी लेकर यहाँ आ रहे हैं। यहाँ देखिए एक वृद्ध व्यक्ति ये झिरे में से पानी भरकर और अपने पीने का पानी लेकर जा रहे हैं। नदी है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है, पानी इसका हरापन लिए हुए है। यहीं पर आकर और यहाँ की महागांव की महिलाएं यहाँ से पानी लेकर जा रही हैं। निश्चित ये पानी दूषित पानी है, यहीं पर लोग कपड़े धो रहे हैं और यहीं का पानी पीने के लिए
भी अपने बर्तनों में लेकर जा रहे हैं। ये देखिए महागांव की महिलाएं किस तरह से पानी, दूषित पानी नदी का भरकर और अपने सिरों पर बर्तन लेकर और जा रही हैं। और यहीं पर दोनों दृश्य आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहीं से पीने का पानी लेकर जा रहे हैं और यहीं पर लोग अपने कपड़े इत्यादि भी धोने का काम कर रहे हैं। ये देखिए कि 800-900 की आबादी वाला ये गांव पूरी तरह से अभी पानी से दूर है। यहाँ से गंजाल नदी से ये खराब पानी कब से भर कर ले जा रहे हैं? 15-20 दिन हो गया साहब। तो पीने का पानी इसके पहले आपका कहाँ से मिलता था आपको? पहले कुआं से था। पहले कुआं से मिलता था? हाँ। अब कुएं में क्या पानी बंद हो गया, खराब सूख गया कुआं? तो ये तो पानी, ये तो पानी गंदा है, ये पानी पीते हैं आप? तो क्या करें साहब, वो तो पीना ही पड़ेगा। तो ये पानी आपके यहाँ नल जल योजना का जो नहीं आ रहा है, इसके बारे में आपने अधिकारियों को बोला है, बताया आपने? आवेदन दिया हमने लेकिन नहीं आया अभी तक। अभी तक नहीं आया? तो 15-20 रोज होगा ये गंदा पानी पीते हुए? गंदे पानी। तो पूरे गांव के लोग यहीं से पानी लेकर जा रहे हैं? तो ये तो पीने का पानी आप ले जा रहे हैं, और वापरने का पानी कहाँ से ले जाते हैं? वो भी यहीं से? ऐसे ही ले जा रहे हैं। अरे कितने दिन से पानी लेकर जा रहे हैं आप यहाँ से? 15-20 दिन हो गए सर। तो क्या पानी आपके यहाँ गांव में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। 9 महीना हो गया जैसे ही ले जा रहे पानी। तो ये पानी से तबीयत खराब नहीं हो रही है? पानी तो गंदा है यहाँ का, होता है सर्दी जुकाम। हाँ, तो पानी तो गंदा दिख रहा है, ये पानी पीते हैं आप लोग? गंदा है तो क्या करें, पीना ही पड़ेगा, आप कहाँ से लाएंगे? कहाँ, महागांव में ही रहते हैं सभी लोग? हाँ। कितने मकान है महागांव में, कितने आबादी है? 800-900 की आबादी है वहाँ पर? मकान 110 मकान और कम से कम 800 के लगभग आबादी है आपके गांव में, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। चलिए चलिए। ग्राम पंचायत राजा बरारी का एक ढाना है महागांव, जिसमें ग्राम पंचायत के 4 वार्ड हैं। पेयजल को लेकर हम यहाँ वार्ड मेंबर से बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पिछले 9 महीने से नल जल योजना का पानी ग्रामवासियों को नहीं मिल रहा है, और जिसके कारण यहाँ की महिलाएं नदी का पानी लाने को मजबूर हैं, और नदी का पानी भी लगभग सूखने की कगार पर है, और उसमें भी कई जगह पर पानी दूषित हो गया है। चर्चा करने जा रहे हैं जी। अपना नाम बताएं जी। मैं ग्राम पंचायत राजावरारी टोला महागांव वार्ड क्रमांक 12, मैं राम सिंह मावा से पंच हूँ। अभी हमारे यहाँ पेयजल के जो 9 महीने से बंद पड़ा है, हमने 3 बार आवेदन दे चुका है। ये आवेदन कहाँ कहाँ दिया बताइए? आवेदन एक पीएचई विभाग में दिया, एक कलेक्टर साहब को दिया, और एक जनपद पंचायत में दिया तिमन ने। इसका जवाब हमको अभी तक नहीं मिल पाया, 3 बार देने के बाद में। हमें गांव में एक ही कुआ है, वो भी सूख गया है। अभी गांव के वासियों नदी से पानी लेकर आ रहा है, तो वो नदी में भी पानी बंद पानी है, तो खराब है। इस कारण बहुत परेशानी चल रहा है महागांव पे। और कोई हैंडपंप वगैरह? कोई हैंडपंप पे बिल्कुल नहीं है महागांव पे, केवल एक कुआ है। एक कुआ बस, और वो भी सूख गया। वो भी सूख गया। तो फिर अभी लोग पानी कैसा पी रहे हैं? पानी अभी नदी से लेकर आ रहा है। तो नदी तो सूख गई आपकी, नदी में पानी कहाँ से है? नदी में जीरिया बना के
लेकर आ रहा साहब। ये तो बहुत खराब व्यवस्था है, इससे लोगों को बीमारी हो सकती है। बीमारी हो सकता सर, लेकिन क्या करें, मजबूर है वैसा। तो कोई अधिकारी आपसे मिलने अभी तक नहीं आया अभी क्या? तक नहीं आया साहब, हमने तीन तीन बार हमने कलेक्टर साहब को, पीएचई विभाग को भी दिया, पर अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया, और हमें गांव भी देखने नहीं आया कि क्या समस्या था। और 9 महीने हो गए यहाँ पानी नहीं आ रहा। 9 महीने पानी बंद पड़ा। तो यहाँ नल जल योजना, क्या पानी जो आता है वो टंकी से आता है या बोर से आता है? बोर से आता साहब। बोर यहाँ से कितनी दूर है? बोर यहाँ से आधा किलोमीटर है बस। वो किस स्थान पर है आपका बोर? नदी किनारे पे। तो क्या कारण से ये पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है? पानी पाइप, लोहे के पाइप गल गया है, 12 पाइप, तो ये स्थिति के कारण पानी यहाँ तक, गांव तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो आपकी पंचायत इस मामले में कुछ नहीं कर रही है? हमारे सचिव महोदय को भी हमने बार बार बोलने को जा रहा, लेकिन वो आगे से ही बोले कि बजट पास नहीं हुआ, इस कारण से हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, बस ये बोलते रहा बस। सचिव कौन है, आप उनका नाम बताइए। सचिव अभिनक, अभिनय गिन्नारे, अभिनय गिन्नारे गब्बर के नाम से जानते वैसे कई लोग, हम गांव के रहने वाले। तो ये कितने समय से आपके यहाँ सचिव हैं? ये हो गया साहब, उसके कार्यकाल पे ही ये बंद पड़ा, वैसे 1 साल तो होने पे हो गया उसे। जब से ये नए सचिव की पदस्थापना यहाँ पर हुई है ग्राम पंचायत राजा बरारी में, तभी से ये नल जल योजना का पानी यहाँ महागांव में नहीं मिल रहा है? हाँ, नहीं मिल रहा। ठीक है।